तस्वीर में दिख रहा ये युवक पिछले 2 महीने से लापता है। परिवार वाले काफी परेशान हैं। स्थानीय पुलिस थाने में मामला भी दर्ज किया गया है, पर हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस को अब तक लापता हुए इस युवक के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला है। अनिरुद्ध रॉय नाम के इस युवक का क्वालिफिकेशन भी आला दर्जे का है और वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वहीं ऐसे में शक की सुई अपहरण की ओर इशारा करती है, लेकिन बावजूद इसके 2 महीना बीत जाना बड़ा सवाल पैदा करता है। जबकि पुलिस का अब भी ये कहना है कि हम लापता हुए इस युवक की तलाश में लगे हुए हैं। ये जो व्यक्ति है, इसका नाम है अनिरुद्ध रॉय। ये सेक्टर 17 वाशी में रहता था और ये 2 महीने से गायब है। पुलिस उसको ढूंढने के लिए पूरी जांच कर रही है। हर जगह उसका मैसेज दिया गया है, उसके फ़ोटो भेजे गए हैं और उसको जो पुराने मोबाइल से, उसी मोबाइल के दौरान भी हम जांच कर रहे हैं। और इसके पहले भी वो 2012 में घर से किसी को कोई बताए निकल गया था, उस टाइम वो गुजरात साइड से मिला था। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। पुलिस का कहना है कि वो लापता युवक के पुराने मोबाइल की सहायता से उसे ढूंढने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया है कि युवक इसके पहले भी एक बार इसी तरह घर वालों को बिना बताए घर से चला गया था। यहाँ पे उसके परिवार में उसकी पत्नी है अलकनंदा रॉय, उसका एक छोटा बच्चा है 8 साल का, दोनों यहाँ पे रहते हैं। और ये जो बंदा है ये वेल एजुकेटेड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नहीं नहीं, उसकी उनकी वाइफ हाउस वाइफ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। नहीं, इसके बारे में अभी तक कुछ पता चला नहीं है, पुलिस उसकी जाँच कर रही है। उनकी वाइफ नौकरी पैसा है। लापता हुए इस युवक के घर वाले बेसब्री से उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे घर वालों की चिंता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसे में मन में ये डर सताने लगता है कि लापता हुआ युवक कहीं किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं हो गया। गोपाल शाह, इन24 न्यूज़, नवी मुंबई।